अंकल। ये कंप्लेंट मैं दर्ज करने आई हूँ। 3 नवंबर को मैंने यही कंप्लेंट के दिन जुहू पुलिस चौकी में राखी सावंत के खिलाफ दर्ज की थी। इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। कंप्लेंट अगेंस्ट मिस राखी सावंत रिगार्डिंग मेकिंग डेफामेटरी एंड बीलिटलिंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग आवर क्लाइंट्स मॉडेस्टी एंड रेपुटेशन, पासिंग थ्रेट्स, thereby committing offense of criminal intimidation by way of her latest interview published on all social media platforms. केवल एक इंटरव्यू नहीं, अनेक इंटरव्यूज जी। यहाँ पर हाँ ठीक है, डिस्पैच करके आते हैं उसके बाद जी। ये है एक्स्ट्रा नहीं नहीं पहले डिस्पैच करके फिर बाइट ले लो पहले बाइट पूरा हो जा रहा है। चले ना, बता रहे थे कि उसमें क्या क्या राखी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, किस तरह के जी। राखी सावंत की वकील फाल्गुनी जी ने जिन एक्सप्लिसिट वीडियोस और फोटोज का जिक्र किया है उनके संबंध में मैंने पिछले साल महाराष्ट्र साइबर सेल और मुंबई क्राइम ब्रांच में अपना बयान दिया था। फाल्गुनी जी इन दोनों डिपार्टमेंट्स से विनती करके मेरे बयान की कॉपी मंगवा सकती हैं, पढ़ सकती हैं और जान सकती हैं कि मैंने क्या बयान दिया था उन एक्सप्लिसिट फोटोज और वीडियोस के संबंध में। मैंने इस बात का खुलासा किया कि मैंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के लिए कुछ एक्सप्लिसिट वीडियोस किए थे। इस बात की जानकारी विस्तार में आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से मिलेगी और महाराष्ट्र साइबर सेल से भी मिलेगी। तो मेरा अनुरोध है फाल्गुनी जी से कि वो जल्द से जल्द मेरे बयान की कॉपी मंगवाएं और पता लगाएं कि अश्लील और एक्सप्लिसिट कंटेंट और वीडियोस जिनका जिक्र वो कर रही हैं उनके निर्माता असल में कौन हैं। और दूसरी बात यह है कि फाल्गुनी जी कह रही हैं कि मेरे पास सबूत क्या है ये साबित करने के लिए कि राखी सावंत एक दलाल है। फाल्गुनी जी, बात यह है कि कोविड से पहले फन रिपब्लिक थिएटर में एक इवेंट का आयोजन किया गया था। अवंतिका सिन्हा, मेरी एक्स पब्लिसिस्ट के द्वारा उस इवेंट में कई सेलिब्रिटीज़ को आमंत्रित किया गया था, उनमें से राखी सावंत भी एक थी। मेरी मुलाकात राखी सावंत से उस इवेंट में हुई। राखी सावंत ने मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे और मैंने उनको दिए। अगले दिन राखी सावंत का कॉल आता है, वो कहती है अरे यार शर्लिन, तेरे लिए कई सारे इवेंट क्वेरीज आते हैं मेरे पास। मैंने पूछा राखी मेरे लिए इवेंट क्वेरीज तेरे पास क्यों आते हैं, तू कोई मैनेजर है क्या? तो उसने बोला बात समझ, आते हैं मेरे पास इवेंट क्वेरीज आते हैं, पर्सनल इवेंट्स की बुकिंग्स मैं लेती हूँ।
ये बात मुझे नहीं मालूम था। राखी सावंत ने खुद इस बात का खुलासा किया फोन पर। CDR कॉल डेटा रिकॉर्ड के जरिए आप हमारे इस टेलीफोनिक बातचीत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। राखी सावंत ने खुद बताया कि वो प्राइवेट इवेंट्स करती हैं और प्राइवेट इवेंट्स के लिए बुकिंग्स लेती हैं। फाल्गुनी जी, और भी कई सारी बातें हैं जो मैं साझा करना चाहूँगी आपसे, यदि आप मुझे अनुमति देंगी तो मैं आपसे मिलना चाहूँगी। और फाल्गुनी जी, आपको एक और बात बता दूँ कि मैं फ़िलहाल लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द आपकी तरह एक वकील बनूँ और प्रो बोनो केसेस लड़ूँ उन तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते 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 अपना दम तोड़ देती हैं।